What is up, Jockey Cover? Welcome to my channel and you are watching Drasky Bong. So, the day is finally here. कल है हम लोग का शो जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. कल है हम लोग का मिस्टर मिस असम कॉम्पिटिशन. आज लास्ट नाइट है एंड लेट मी शो यू फर्स्ट मैं क्या खा रहा हूँ. मेरा पीक पीक चल रहा था अभी बिकॉज ऑफ द मॉडलिंग शो. मैं पूरा लीन हो गया. बहुत फ्लैट था जब फिटनेस राउंड हुआ बट कल मेरे को पर्म दिखना है इसलिए अभी मैं अपना कार्वअप करूंगा बॉडी में ताकि मसल्स पूरा फूल जाए कल सुबह के तक. तो अभी मैं ये खाऊंगा. जैसा देख सकते हो दिस इज पफ्ड राइस मूढ़ी साथ में बादाम. ये खाऊंगा मैं अभी रात को. पानी एकदम कम पीऊंगा जितना मैंने पिया बस खो गया. उसके बाद आई स्लीप. अभी आज तो जिम से कुछ नहीं हुआ सिर्फ वॉक किया. दो दिन से जिम नहीं है वॉक ही किया बस. तो आई हैव दिस नाउ सोऊंगा. तो मैं मिलूंगा आपको कल सुबह को ही. सो लेट्स गो. सो अभी मैं आया हूँ स्टेज पे एंड हम लोग का स्टेज रिहर्सल हो रहा था. अभी हुआ कंप्लीट. तो मैं स्टेज पे आया था एंड नाउ बैठा हुआ हूँ. लड़की लोग का मेकअप हुआ है आंचल के मेकअप करने के लिए. हम लोग का भी होगा उसके बाद. अभी थोड़ा सा स्टेज रिहर्सल बाकी है. पूरा सूख गया हूँ एंड मैंने सुबह को रोटी एंड राइस खाया था. तो फॉर द पंप वॉइस आर गेटिंग मेकअप हियर फॉर द वॉइस. क्या हो गया देखो. सो द टच अप है स्टार्टेड मेरे चेहरे का. अभी तक कुछ लगाया नहीं है. सो रेडी. He is a very good actor and he is also ready. सब लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे. तो ये डिजाइनर क्लोथ था. ये राउंड 3 का है डिजाइनर क्लोथ. मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया एंड एज यू कैन सी आई एम फ्लॉन्टिंग माई शार्पनेस ऑफ द बॉडी. काफ़ी अच्छा दिख रहा है बॉडी. एब्स भी काफ़ी ड्राई लग रहा है. तो सही है ना. तो ये है डांस राउंड लड़के लोग का. मैं सेकेंड रो में हूँ. ट्राई टू फाइंड मी. मैं काफ़ी खराब डांस करता हूँ. तो ये डांस राउंड था काफ़ी अच्छा ही गया ये भी. सो ये था फाइनल राउंड विच वॉज ऑल्सो द डिज़ाइनर राउंड. मेरे को इस डिज़ाइनर राउंड का कपड़ा एकदम ही पसंद नहीं है. बट जो भी हो इस राउंड पे सीक्वेंस ऐसा था कि जो टॉप 10 लड़के हैं एक एक करके आएंगे एंड दे हैव टू चूज अ गर्ल जो उन लोग को एलोकेटेड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. एंड बाकी लोग फ्लर्ट करना होता है नॉट मच थोड़ा थोड़ा जस्ट टू सी देयर वॉक. एंड हम लोग को बहुत परफेक्टली वॉक करना होगा फॉर दैट. सो यहाँ पे आई एम चूजिंग आंचल बिकॉज मेरे को यहाँ पे आंचल के साथ एलोकेट किया गया था. तो वही एंड देन वी हैव टू कम आउट. वी हैव टू वॉक शो द डिजाइनर क्लोथ्स एंड गो बैक. दैट्स इट. एंड इसी राउंड के बाद होगा द फाइनल राउंड द क्वेश्चन आंसर राउंड. जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग को आंसर करना होगा प्रॉम्प्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन मैम. इफ आई कुड चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड इट वुड बी दैट व्हाई शुड वुमेन शुड लीव देयर होम आफ्टर मैरिज. व्हाई नॉट बॉयज लाइक इट कुड बी गाइज ऑल्सो. Why should always the woman have to sacrifice, have to leave their parents whom they have loved and have to go to another house? Why not the man? Why not the guys? So, this is what I could like to change. What is your idea of happiness and success? Well, thank you for this wonderful question, ma'am. Happiness and success, that's two different things. First of all, success is when I can make my mom and dad proud. And also, when I earn 10, I can spend 9 on people and just keep 1 for myself. And happiness? Well, I don't know if I will win this show or not today. Tomorrow, I'll be going at my hometown, Jorhat, Assam. But when I'll be going there, there'll be one person waiting for me. No matter what I do, I lose, I win, doesn't matter. She'll be happy, smiling, because she'll see me there. I lose, doesn't matter to her. That's my mom, that's my happiness. Thank you very much. एंड दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट द टाइटल ऑफ द शो. ये कुछ फोटोग्राफ्स है एज यू कैन सी. मेरे पास ज़्यादा फुटेज है नहीं बिकॉज शो से कुछ हम लोग को फुटेज दिया नहीं. जो जो विनर्स थे उनको एक फोटोशूट कराया गया एज यू कैन सी. काफ़ी अच्छा फोटोशूट था. कॉन्सेप्ट फुल ऑफ ब्लैक का था. काफ़ी मज़ा आ रहा था करने में. एज यू कैन सी हम लोग पूरा पोज कर रहे हैं. अच्छा लग रहा था. जो भी हो इसके बाद हम लोग घर आ गए एंड नेक्स्ट डे सुबह को हम लोग ने ऑर्डर किया बहुत सारा खाना. इस बात भी ऑर्डर अभी. This is delicious. ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है. Something keto wrap था कुछ.
सो इसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो गए, यहाँ हम लोग ट्रेन में बैठे हुए एंड फाइनली आई रीच्ड होम। ये है मेरा घर का बाहर, सुबह 5:30 बजे। आई एम बैक होम नाउ, अंदर जाता हूँ अंदर बात करते हैं। हेलो 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 चेक। सो आई एम बैक टू माई होम नाउ। मैं जस्ट नींद से उठा, मैं 3 दिन से सोया नहीं था बिकॉज ऑफ द कॉन्टेस्ट, उसके पहले भी नींद आया नहीं था। सिक्किम से आने के बाद से ये सब कर रहा हूँ एंड फाइनली थोड़ा रेस्ट मिला। आज सुबह को मैं 5:30 को पहुँचा घर में, उसके बाद मैं सोया बहुत ज़्यादा, अभी 2 बजे है, आई जस्ट वोक अप। सो फाइनली आई एम इन माई हाउस एंड दिस इज माई कंडीशन, यू कैन सी अभी भी पूरा रिप्ड है बॉडी। एंड सबसे अच्छा जो लगा इस शो का मुझे द ट्रॉफी, दैट्स माई ट्रॉफी, माई मदर द बिगेस्ट ट्रॉफी, जो सुबह सुबह आ गई मेरे को वेलकम करने के लिए एंड दिस इज़ द ट्रॉफी, यू कैन सी। हाउ इज़ इट, प्लीज़ नीचे कॉमेंट में बोलिए। रूबरू मुझे देते हैं ना मिस्टर इंडिया का, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया ग्लोबल का जो देते हैं ट्रॉफी, वो सिर्फ ऐसा ही होता है। दिस इज़ द ट्रॉफी, मिस्टर स्पार्क विनर रनवे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग। कैश प्राइस था कुछ कुछ जो अभी तक हमको मिला नहीं है, तो वो शायद कुछ दिनों में मिलेगा। एंड ऑल्सो वी वर इन्वाइटेड टू अ मीडिया टॉक एंड एज यू कैन सी ये एक डीवी न्यूज़ बोल के है। इनका अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो इनके जो फेसबुक पेज है वहाँ जाके देख सकते हो, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है ये न्यूज़। तो काफ़ी अच्छा लगा मीडिया में ऐसा एक्सपीरियंस। तो उसके बाद में वी ऑल्सो कोट रनवे फोरम, शायद हिमाचल टूर भी है मेरे को जैसे नहीं पता। एंड ऑल्सो बहुत कुछ काम मिला है हमको इस शो से, तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। तो ये था मेरा जर्नी ऑफ मिस्टर आसाम 2022। एंड अगर आपको लगता है मेरे में थोड़ा सा ये पोटेंशियल है, मुझे कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आपको इस वीडियो का पहला पार्ट देखना है, द जर्नी, ग्रूमिंग डेज एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये वीडियो में क्लिक कीजिए।